अमर पाटन की न्यू रामनगर नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। 15 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में ये मुकाम हासिल किया है। नगर परिषद के वार्ड 2 और 11 में निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद उपचुनाव हुए। दोनों वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी जीते, जिसके बाद अध्यक्ष पद खाली हो गया था। उपचुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी। अध्यक्ष पद निर्वाचन में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो कांग्रेस के 5, बीजेपी के 8 और 1 निर्दलीय पार्षद ने अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दीपा दीपू मिश्रा को 8 जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुनीता राम सुशील पटेल को 7 वोट मिले हैं। अभी तत्कालीन नहीं है, पिछले 15 वर्षों से चल रही थी सत्य के लिए ही, जो जा करके अभी निर्वाचन शून्य उपरांत, तो मन में एक निराशा थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बाढ़ हार चुके थे। फिर भी मुझे ऊपर वाले पर विश्वास था कि वह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एक बार मुझे अवसर जरूर देगा, और सत्य धर्म और अपने समाज, अपने नगर परिषद के अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चला सकूं, अपने सभी सहयोगी साथियों को जिनकी अटूट मेहनत से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं। श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूं। मां शारदा की नगरी, अपने रामनगर को रामनगर बनाना है।